भारत सरकार की ओर से राज्य में लगातार सुधार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर निकले हैं। मुख्यमंत्री ने जमुई में रैली को संबोधित किया। इस दौरान लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने समाज सुधार से संबंधित गीत गाए। उन्होंने बाल विवाह, शराबबंदी को लेकर कई गीत गाए। मैथिली ठाकुर से बात की जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, उसके तहत यात्रा कर रहे हैं। जमुई पहुंचे थे जहां पर लोक गायिका हैं, मिथिला की बेटी है मैथिली ठाकुर, वो आई थी। और शराबबंदी और ये कहें कि दहेज बंदी और बाल विवाह, इसको लेकर इन्होंने गीत सुनाए हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैथिली, जब आप यहाँ आई, आपने गीत सुनाए और मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने गीत गाया तब भी उन्हें बहुत वो गीत पसंद आया और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत मज़ा आया। अच्छा, बहुत मज़ा आया। आप जब रोज आती हैं 10 बजे फेसबुक पे लाइव करती हैं और लोग उसको देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं और देश नहीं दुनिया में आपने अपना नाम रोशन किया है, या कहें कि मिथिला का नाम रोशन किया, किस तरह से लगता है जब लोग मिलते हैं और इतना प्यार देते हैं? सब एक परिवार जैसा ही लगता है, क्योंकि मैं सबसे रोज़ इंटरेक्ट करती रहती हूँ और सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो मुझे मतलब कई लोग तो याद हो चुके हैं कि जमुई में ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, जो मेरे फेसबुक पे रोज़ उठते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप इतना बढ़िया तबला बजाते हैं और वो करते हैं, क्या क्या कहेंगे आज जो यहाँ पर देखा और जो सुना? जी जी, बहुत बढ़िया कदम लिया है नीतीश कुमार जी ने, बस इसी को सपोर्ट करते हैं कि और भी अच्छे अच्छे कदम ले वो। अच्छा, और बिहार आगे बढ़े। अच्छा, और अच्छे कदम ले, आगे बढ़े और आप लोग खूब आगे बढ़े, हम लोग ये चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी मैथिली ठाकुर और उनके भाई, और हम लोगों ने बात की दहेज बंदी या कहें कि समाज सुधार अभियान से लेकर उनके बारे में। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, जमुई।